कोरोना वाला टीका लगवाने के लिए गई थी, उन्होंने मेरे कुत्ते का टीका लगा दिया। नमस्कार, इन खबर में आप सभी का स्वागत है। लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों में लोगों को यही राय दी जा रही है कि सभी वैक्सीन लगवाएं, लेकिन इस खबर को पढ़ने के बाद वैक्सीन लगवाने वाले लोग डॉक्टर पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि शामली में जब 72 साल की बुजुर्ग महिला वैक्सीन लगवाने गई तो हुआ कुछ ऐसा जिसके बाद आप सभी डॉक्टरों पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। बता दें आपको, शामली के कातला में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना का टीका लगवाने गई महिला को गलती से डॉक्टरों ने कुत्ते काटने का टीका लगा दिया, जिसके बाद इस मामले की शिकायत सीएमओ से की गई। बुजुर्ग महिला ने इसको लेकर एक वीडियो भी जारी किया है, आइए दिखाते हैं पहले आपको वो वीडियो। क्या नाम है आपका? अनारकली। ये क्या हुआ जी, आप क्या कह रहा था, आज अस्पताल में गए थे? कोरोना वाला टीका लगवाने के लिए गई थी, उन्होंने मेरे कुत्ते का टीका लगा दिया और मुझे चक्कर से आने लगी, वहाँ दिक्कत बन गई। मैंने कहने लगी आधार कार्ड जमा हो, कहने लगी आधार कार्ड की पर्ची की कोई जरूरत नहीं। तो आपको कैसे पता लगा कि कोरोना का नहीं है, कुत्ता काटने? फिर मैंने जब आधार कार्ड नहीं लिया, करने गए तो कुत्ता काटेगा। तो अब आपको कुछ उससे दिक्कत महसूस हो रही? हाँ जी। क्या दिक्कत हो रही? फिर एक तो सिर में दर्द ज्यादा था और फिर चक्कर से आने शुरू हो गए। इस वीडियो में 72 साल की अनारकली नाम की एक बुजुर्ग महिला बताती है कि वह जब अस्पताल में कोरोना का टीका लगवाने गई थी तो उन्हें कुत्ते का टीका लगा दिया, जिसके बाद उन्हें चक्कर आने लगे। अनारकली ने बताया कि जब मैंने उन्हें आधार कार्ड दिखाया तो उन्होंने कहा कि इसमें आधार कार्ड की कोई जरूरत नहीं है, तब पता चला कि उन्हें कोरोना की जगह एंटी रैबिस का टीका लगा दिया है। अनारकली ने बताया कि उनके घर वालों ने उन्हें बताया था कि कोरोना का टीका लगवाने के लिए उन्हें आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, तब टीका लगवाने वाले कर्मचारी ने कहा कि यह कोरोना का कुत्ते काटने का टीका लगाया जा रहा है, जिसे सुन अनारकली बेहोश हो गई। तब उन्होंने वहां के डॉक्टरों से इसकी शिकायत की। इससे पहले भी ऐसी ही शिकायत सरोज और सत्यावती ने की है। जब शामली के जिलाधिकारी के पास यह मामला पहुंचा तो उन्होंने एक एडिशनल सीएमओ के नेतृत्व में एक जांच समिति बनाकर इसकी जांच बिठा दी। सीएमओ डॉक्टर अग्रवाल का कहना है कि परिजनों की शिकायत पर सीएमओ ने जांच के आदेश दिए हैं, मामले की जांच की जा रही है। तो इस खबर के अपडेट पर रहेगी हमारी नजर, आप देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।